हेलो। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओ जी, क्या हाल है? ठीक हो जी? मैं शफील तो बोलदा, की हाल है तुहाडा? ठीक हो? बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा कॉल की। थोड़ा क्या हाल? तुसी कपड़े कहने पाने, कोई शर्म करो एक, तुसी अपना बनाया हाल, बहुत शर्म की गल है तुहाडे वास्ते। जी ठीक है जी, थोड़े विषय वास्ते भी शर्म की गल है कि तुम पाकिस्तान का कल्चर नु कभी भी भुलना नहीं चाहिए। जो तुम पाकिस्तान चो बाहर जाते हो, इन्ने मुल्क से आजाद विच रहंदे हो, लेकिन सानू गल करने बाद में कोई गल नहीं, सारे से थोड़ी गल का बुरा नहीं मनाना। नेक्स्ट कॉलर ना गल करेंगे जी। हेलो। बस जैसे देखिए, इतने सारे लोग हैं, जब कोई कॉलर अजीब सी बात करते हैं तो मुझे दुख भी बहुत होता है, लेकिन इतने सारे लोगों में अगर एक कोई बात करता है, कहते हैं किसी की नजर उतर जाती है जब कोई गलत बात करता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट तो यही होती है कि दो मीठे बोल बोलने से आपका भी कुछ नहीं जाता। इतने सारे लोग सुन रहे हैं आपके बारे में, फिर बुरा बोलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच, आप मुझे मिस कर रहे थे के लिए तुम्हारी नीयत खराब है। लाइक आई सेड, मेरी आपकी हर किसी की नीयत खराब है। अभी हम लेंगे हमारी आखिरी कॉल, लेट्स सी इज ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम। अच्छा, आज आपको अच्छी लग रही बहुत। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और आपके मम्मी मुझे चूसना है। एक्सट्रीमली नियत खराब है, वाला बंदा पेश आ गया है। एंड दैट्स सैड, दैट्स सैड, दैट्स सैड। पाकिस्तान, इतनी फ्रस्ट्रेटेड तुसी हो, जाओ अपनी बेगम के पास, बेगम नहीं है शादी करो या कुछ करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो यार। लाइव जगह नहीं होती बिटवा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। मैसेज करा, वो अपनी बीवी रीमा से बहुत प्यार करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू साकिब जी। जी पाकिस्तान लेते हैं कॉल, कॉल अच्छी जवाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक फंतुष, आप बताओ आप कैसे हैं? बहुत जबरदस्त लगी हूँ। बहुत जबरदस्त लगी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बताएं नाम क्या आपका? मेरा नाम मंसूर है। बाल तो पीछे करें जी, बाल तो अपने पीछे करें। क्यों? जो चीज देखनी है वो महारा में भी लोग बात नहीं आते। That's the worst part. मतलब मोहर्रम में भी किसी को शर्म नहीं, किसी को कुछ नहीं। गॉड, मैं कोई कॉल नहीं लूंगी, नहीं लेनी मुझे कॉल यार। किसकी कॉल है? मैं अब्बा है, मैं नहीं कॉल ले रही। मतलब सीरियसली, आई एम सो डिस्टर्ब। एक एक चीज हो रही है। एक तो मेरा दिमाग खुद डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और मैं मजीद डिस्टर्ब कर लो मुझे। God, this is too much. I just can't handle it. What? माफ कर सल्लू भैया से बॉटल लगता है। हाँ, सल्लू भैया से। फ्री में इनके साथ हीरोइन आने हैं, इन्होंने ऑफर किया है और आपने इनको ना कहना है। बहुत छिछोरे हैं आप। क्रियोग्राफर का कोई भी कोई भी स्टाइल नहीं है इनमें, वो कुछ अपना ही निकाले थे। दिन दम दम दम, व्हाट इज दिस मैन, लाइक कुछ कोई भी एक्शन बजेगा ये। फरमाइए, कौन सा साहिबा, कहाँ से? मैं मिसेज अहमद बात कर रही हूँ, कराची से। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक। मैं जरा सा बस ये बात करना चाहूंगी, देखें बीइंग अ वुमन, मैं सुबह का मॉर्निंग शो भी देखती हूँ, मैं खबरें भी सुनती हूँ, और लेडीज ज्यादा है। थोड़ा सा मेरा एतराज ये है कि अपनी देखें थोड़ा सा ड्रेसिंग पे ज्यादा जोर दें। दुपट्टे गायब है, सरों पे तो छोड़े, सीनों पे नहीं है। मेरा तो ये सवाल है, लेकिन जब तक की ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। अब जो सना मिर्जा के साथ हुआ, क्या पहन के खड़ी हुई तो बीच में बताइए, कुछ ड्रेसिंग सेंस होता है। दुपट्टे कहाँ गए औरतों के? बिल्कुल, आपने एक ऐसा एतराज कर दिया है कि स्क्रीन पर जो हम लोग अभी इतने मॉडर्न है, मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन पर जो है ना, स्क्रीन पर भी मतलब मैंने देखा है कि अब मैं हम शॉर्ट पहन के तो नहीं आ सकते ना, बाहर लोग घूमते फिरते हैं। जो इसका ये लिबास का मामला जरा, मतलब सना मिर्जा की अगर बात करें तो सना ने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए थे, मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर रही।
और एक बार फिर से बात करेंगे ईद की। रावलपिंडी में ईद उल फितर के मौके पर पार्कों और तफरीही गांवों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हुकूमती दावों की कलई खुल गई है। रावलपिंडी के अयूब पार्क में ओबाश नौजवानों ने अब तक न्यूज की खातून रिपोर्टर और न्यूज टीम के साथ बदतमीजी करते हुए धक्के दिए हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और टीम को एक घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। रावलपिंडी के पार्कों और तफरीही मकामात पर ओबाशों की क्या सूरत हाल रही थी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रावलीज का नाक में दम ही नहीं किया, अब तक न्यूज की टीम और खातून रिपोर्टर के साथ भी इंतहाई बदतमीजी की, धक्के दिए और नाजेबा जबान भी इस्तेमाल करते रहे। खातून रिपोर्टर, कैमरामैन और न्यूज टीम को अबाशों के बिफरे जत्थे ने एक घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और इंतजामिया हसबे आदत ताखीर से पहुंची। हम लोग जिस टाइम अपनी कवरेज कर रहे थे और मैं लाइव थी 6 बजे वाले बुलेटिन में, तो कुछ जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए थे इर्द गिर्द, जो है कैमरे के इर्द गिर्द और मेरे इर्द गिर्द, उन्होंने काफी जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और ये है कि कुछ हुल्लड़बाजी की, उन्होंने बदतमीजी की, धक्के दिए कैमरा टीम को, मुझे भी। और जो है अफसोसनाक बात इसमें यह है कि जो वहां पे इंतजामिया थी चंद कदम पे खड़ी थी और इन दर्जन या से भी कम लोग थे, उनको भी ये लोग पकड़ नहीं सके। अब तक की न्यूज टीम को रावलपिंडी के यू पार्क में उस वक्त हरासा किया गया जब न्यूज टीम लाइव कवरेज के लिए पेशा वराना उमूर में मसरूफ थी। अबाशों ने और इस दौरान इंतजामिया का कहीं भी मौजूद न होना इस बात का सबूत है कि इंतजामिया ईद के मौका पर सिक्योरिटी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रही है।